गुम है किसी के प्यार में, लीजिए सही, आज बड़ी खुश है। खुश इसलिए है क्योंकि ससुर जी ने गले जो लगा लिया वो क्या है ना कि जिनके सामने आपका हर काम उल्टा पड़ रहा हो वो आपको सामने से आकर शाबाशी दे, गले लगाए या फिर आपको देखकर मुस्कुराए, यकीन मानिए दिन बन जाता है। आंखें एक बार फिर से मल लीजिए तो जरा, अगर यकीन नहीं हो रहा है जो नजारा आपने देखा वो वाकई में हकीकत में है या कोई सपना है, तो एक काम कीजिए, एक बार फिर से आंखें मल लीजिए, वही दिखाना जो पहले दिख रहा था। हाँ हाँ यही तो है, सई को कैसे गले लगा लिया निनाद ने। ये वही ससुर जी हैं सई के जो दिन रात उसे कोसते रहते थे, खरी खोटी बातें सुनाया करते थे। फिर अब देखिए जब बहुरानी सई ने अपने बाबा के दिल की बात समझी सुनी तो उसने वही किया जो सालों पहले निनाद नहीं कर पाया था। सई कुछ स्पेशल करना चाहती है बाबा के लिए, तो वही उसकी कोशिश है, उसके लिए वो पैसे इकट्ठा कर रही है, डांट वाट भी खा रही है। That's something that she wants. She has something in her mind. कुछ करना चाहती है। अब सई की बर्थडे पार्टी में आपने देखा होगा निनाद ने कितना बढ़िया गाना गाया। संगीत का शौक वो रखता था लेकिन कभी अपने शौक को पूरा नहीं कर पाया। ये बात सई समझ गई, तभी तो उसने पैसे इकट्ठा किए और देखिए एक हारमोनियम वो लेकर आई। फिर क्या था, सई ने जो किया उसे प्यार से गले तो लगाना ही था, सो देखिए ससुर जी ने लगा लिया। अब इधर प्यार बरस रहा है तो कहीं जलन भी हो रही है। पाखी को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि निनाद काकू कभी ऐसा कर सकते हैं। खैर फिलहाल काकू भी अभी कुछ बोलेगी नहीं क्योंकि वो भी जानती है कि सई ने कोई गलत काम नहीं किया है। सई ने उनकी जो दुखती रखे वो पकड़ ली और निनाद ने जो बर्थडे पार्टी में गाना गाया, फिर ये ख्वाहिश जाहिर की कि हारमोनियम का बजाने का बहुत शौक है, तो ये सारी चीज़ें सई ने भाप ली और उसने सोचा कि क्यों ना इनको गिफ्ट दिया जाए बाबा को, तो इसलिए वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आई और उन्होंने सई ने निनाद का दिल जीत लिया। रही बात घर वालों को ना बताने की कि वो इतने पैसे लेकर कहाँ चली गई थी, अब जब सई लौट आई है और उसने एक अच्छा काम कर दिखाया है तो भाई सई की गलतियां माफ हो गई। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।